हमास के आतंकी हमलों ने इजरायल नागरिकों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमास की तरफ से रॉकेटों की बौछारों ने कई जिंदगियां तबाह कर दी है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। तबाही का मंजर इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। घर में कुछ नहीं बचा है। ये तबाही देखकर यकीनन आपकी भी रूह कांप जाएगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे तबाही की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बिल्डिंग पर जब मिसाइल दागा गया होगा तो यहाँ रहने वाले लोगों को किस स्थिति का सामना करना पड़ा होगा, इसका अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। दक्षिणी इजराइल में रह रही मरीना से जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप अपना घर छोड़ रही हैं, तो मरीना ने कहा कि हम अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, अब यहाँ घर नहीं बचा है। इसके बाद रिपोर्टर ने हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों पर सवाल किया तो मरीना ने सॉरी बोलते हुए कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, ये बहुत दर्द भरा है, मेरा बेटा और मेरे पति अलग रह रहे हैं। We live in my home. Why? Because there's a place and no home. So how you see this, the continue Hamas is attacking in Israeli people? Oi, I don't want to speak for this. I'm sorry. This is a pain. Yeah, we are scared. And my son, Omaza, and my husband in Lebanon. Hamas की ओर से किए जा रहे हमले ने दक्षिणी इजराइल में तबाही मचा दी है। हमले के बाद लोग अपना बचा कुचा सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं।